है बिल्कुल साफ सुथरा किचन। कल किचन को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया, मतलब 1.5-2 घंटे लगा के, और इधर वाला जो स्टैंड था ना उसको भी हटा के सब अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि बीच बीच में क्लीनिंग जरूरी होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत इस दूध और ब्रेड के पैकेट के साथ में, जो हर घर में शायद कभी ना कभी तो ब्रेड, मैं दूध तो बोलूँगी कि डेफिनेटली सबके घर में आता है, बट ब्रेड तो कभी कभी आता होगा, बट हम जो है ब्रेड थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे रात को मैंने क्लीनिंग की थी, सब कुछ अच्छे से क्लीन करके तो सबको सेट कर रही हूँ। उसके बाद जो दूध लाया था उसको गर्म करना तो बनता है। तो आप लोग दूध मतलब डेयरी का लेते हो या गाय का लेते हो? हम चाय के लिए ये दूध यूज़ करते हैं। और लास्ट में ये चिंदी चोरी तो कौन कौन होम मेकर करती है बताना बनता है। तो थोड़ा सा दूध लिया, पैकेट में हिलाया, उसको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, तो मैं मेज़र करके चाय बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हो बताना। बहुत लोग ना अंदाजे से बनाते, बट मैं जितने लोग रहते उसके अकॉर्डिंग कप से मेज़र करके बनाती हूँ। तो आज मैं 3 कप बना रही हूँ क्योंकि मेरे देवर जी भी अभी यहीं हैं। तो ये सुबह बारिश हो रही है और ये गर्मा गर्म चाय तो बिल्कुल सुकून देती है। और चाय में कूट के अदरक और इलायची ना डाली जाए तो चाय का तो मज़ा ही नहीं है। एंड मुझसे चाय बहुत कम अच्छी बनती है अगर मैं सच बोलूँ तो, लेकिन आज का चाय इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई चीज़ खाने का या पीने का मन नहीं करता, बट अगर आप किसी के ब्लॉग में देख लेते हो ना, मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है कि मैं जिनके भी ब्लॉग देखती हूँ तो बड़ा मन सा हो जाता है। और जब भी मैं इलायची और अदरक को कूटती हूँ उसको वॉश करके ज़रूर रखिए, नहीं तो उसमें बैक्टीरिया जो है पनपने के चांसेज होते हैं। बस चीज़ें जगह पर रख रही हूँ। आज है थर्सडे तो आज मुझे मंदिर क्लीन करना है, तो झटपट बनने वाला कुछ रेसिपी ट्राई करूँगी। तो आलू मैंने इतना मेशी वे में काम किया, ये यहाँ पर मैंने आयरन किया है एंड अभी तक मैंने आयरन उठा के रखा नहीं है। मॉनसून में ना यार इतना लेजीनेस लग रहा है। पे देखो मेरा एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, एक स्क्रैच आउटफिट बहुत ही जल्दी आएगी। किस किस को इतना सा देख के समझ में आया कि मैं क्या रिक्रिएट कर रही हूँ। बारिश की वजह से एक बाल्टी कपड़ा मैंने यहाँ धो के रखा हुआ है एंड इधर इतने सारे चादर मैंने वॉश किए हैं। ये देखो 2 बाथरूम में पड़े हुए, बिल्कुल मैंने अपने घर को धोबी घाट बना डाला है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी मैंने पवन को फ़ोन किया था कि कुछ सब्जी लेके आना, कुछ सब्जी नहीं है। ये देखो मैंने आज कैसे यहाँ पे काटा है जो भी सब्जी वगैरह है। और ये इंटरेस्टिंग पार्ट, प्याज को टकला कर दिया इस तरह से गंजा करके, मतलब इसके सर यहाँ पे जो हेयर है उसको कटिंग कर दिया और इसका सर यहाँ पे गंजा करके रख दिया है। यहाँ पे आटा भी मैंने मांड लिया है एंड ये जो कपड़े हैं मुझे उस कबर्ड में रखने हैं। तो इतना काम मैंने आपको दिखा दिया, सोचो कि कितना काम दिखा दिया है। उफ, बोथ द बिजी पर्सन आर हेयर। तुम लोग क्या कर रहा है? कल कहाँ जाने का प्लान है? हाँ शायद नैन्सी का, इन लोग इसके अंकल आए हुए हैं तो इन लोग प्लान कर रहा है कि नैन्सी के घर जाएंगे, मतलब मेरी मम्मी के घर, ताकि मेरे जो देवर जी हैं वो घर पे थोड़ा मिलना भी हो जाए। और ये अपने चक्कर में है कि इसकी थोड़ी आउटिंग हो जाए। तो ये देखो कल का, कल देखते हैं कि क्या होता है। और रिशु यहाँ पे खेल रहा है और अरु क्या कर रहा है? अरु देख रहा है एज यूजुअल, है ना? हाँ। और कपड़े कहाँ कहाँ आपको दिखेंगे मॉनसून में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कपड़े कहाँ कहाँ सूख रहे हैं। बिल्कुल भी मेरी तबीयत सही नहीं है एंड 2-3 दिनों से मेरी तबीयत सच में अच्छी नहीं लग रही है। उसे ना इसका पानी भी चेंज नहीं किया, इसका पानी भी मुझे चेंज करना है। एंड अभी सावन आने वाला है तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट आज मेरा फर्स्ट डे है तो आई डोंट नो कि मैं पहले दिन 4 तारीख से सावन लग रहा है, तो काउंट करना पड़ेगा डे कि मैं पूजा कर पाऊँगी कि नहीं। तो मतलब कौन कौन से फ्रेंड जो है सावन में हर महीना पूरी महीने मंदिर जाते हैं, जितने भी दिन वो पूजा कर सकते हैं। जैसे मैं जो हूँ हर दिन मंदिर जाती हूँ, जब तक मैं जा पाती हूँ, मतलब जब तक पीरियड्स नहीं होते हैं, 7 या 8 दिन जो भी छूटता है मेरा, बस वो छूटता है। एंड इस बार गेस व्हाट, सावन इस बार 60 डेज का है, मतलब कैन यू इमेजिन मैन, मतलब 60 दिनों का सावन बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ। ये है हम सब का फेवरेट इलिस मछली, हिलसा भी से बोलते हैं। आई थिंक ये बंगाल में ही मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है बताना। ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि ये गंगा के निचले सतह पे पाया जाता है। तो इसमें जो मसाले पड़ते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों तरह के मस्टर्ड सीड को मिक्स करके लिया, लहसुन बहुत कम पड़ता है, जीरा और मिर्ची, इन सब का एक फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो बिल्कुल जोरों की बारिश हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हो झमाझम बारिश हो रही है। और मैं और बारिश को एंजॉय कर रही हूं। देखो बारिश, मतलब आज
आज इतनी गर्मी थी ना, मैं लिटरली बोल रही थी सुबह से ऐसी गर्मी लग रही थी जैसे लू चल रही है, गांव में जैसे गर्मी होती है ना, एंड गेस व्हाट, बारिश हो गई। घर में जो है उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन जो बाहर में है ना उसको मतलब बारिश की लिटरली इरिटेशन होती होगी यार। तो आज शाम को तो चाय पकौड़े बनता है ना अरु, चाय और इस वीडियो को जब एडिट कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर किया है, बट कोई नहीं चलता है क्योंकि कभी कभी घर में इतना साउंड होता है ना कि सोचती हूँ बोलूँगी तो मतलब आप लोगों को क्लियर आवाज़ आएगी कि नहीं। तो जो मछली मैंने आप लोगों को दिखाई उसको मैं उसके लिए पेस्ट रेडी कर रही हूँ, जो मसाले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए, मेरे देवर जी आए हुए, तो उनके लिए मैंने ये मंगवाया था, उन्होंने कभी नहीं खाया। एंड मैं सोच रही थी पता नहीं उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट जब उन्होंने ये फिश खाया, उन्होंने बोला ये कौन सी मछली है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैंने फर्स्ट टाइम खाया है। तो मेरी इतनी मेहनत सफल हो गई क्योंकि ये मेरे यहाँ पे भी जल्दी नहीं मिलता है, तो मैंने अपने मायके से मंगवाया था उनके लिए स्पेशली। तो आप जब किसी के लिए मेहनत करते हो और आपकी मेहनत सफल होती है ना, तो सच में बहुत अच्छा सा फील होता है। सारे मसाले इसमें अच्छे से मैरिनेट करना है, एंड कच्चा मस्टर्ड ऑयल आपने अच्छे से 3 से 4 चम्मच इसमें डालना है और 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देना है। उसके बाद में कुकर में सबसे पहले जो भी सर रहता है फिश का उसको हम लोग रखेंगे, उसके बाद जो बॉडी रहती है उसको रखेंगे, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट रहता है, ये बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत ही अच्छे से प्यार से इसे बनाना पड़ता है। इसमें कच्ची मिर्च मैं डाल रही हूँ, उसके बाद इसे गैस पे चढ़ा के 10 मिनट इसे होने देना है। तो बारिश में मैं सारे पौधे इस तरीके से रख देती हूँ ताकि बारिश का जो पानी है ना थोड़ा सा इसके अंदर जाए, क्योंकि बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत बहुत अच्छा वर्क करता है। ये पौधा देखो टचवुड की बिल्कुल इतने अच्छे से ग्रो हो रहा था ना, बिल्कुल ख़राब हो चुका था ये पौधा, तो मैंने इसको अच्छे से कटिंग वगैरह कर दिया, यानी कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये कुछ दिनों पहले जो मैंने मनी प्लांट लाई थी, ये सिंगोनियम बटरफ्लाई सिंगोनियम स्पाइडर है, मनी प्लांट है, और ये पता नहीं कौन सा पौधा है, जस्ट मैंने कटिंग लगा दिया था, और ये सदाबहार का पौधा। तो बस इन पौधों को देख के इतना सुकून मिलता है ना, बारिश में मुझे और बहुत सारे पौधे लाने हैं कि बारिश में बहुत जल्दी ये ग्रो होते हैं। पूरा मंदिर क्लीन कर दिया, तो जितने भी भगवान जी के आसन वगैरह था ना सोख करके रखा है, इसको आधा घंटे के बाद साफ़ करूँगी। और यहाँ पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ के कपड़े रखे हुए, और ये मेरा डिटर्जेंट पाउडर घड़ी एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ ना, बहुत छोटे छोटे जो चीज़ रहती है उसको वॉश करने के लिए। उसके अलावा टाइड हमारे घर में आता है, तो और ये मैंने कटिंग करके आज लगा दी। बहुत दिनों से मेरा बॉटल खाली पड़ा था, मन बहुत अजीब सा लग रहा था, मेरे आसपास पौधे ना होना यार तो बहुत बहुत मुश्किल होती है। और यहाँ पे भी एक रख दिया है, मैं आपको ये देखो जूम करके, एक छोटी सी चीज़ गिरी हुई है, मतलब उसमें कितनी सारी चींटियां लग गई हैं आप ये देखो। इसलिए मैं बच्चों के ऊपर ना हमेशा चिल्लाती रहती हूँ कि जो भी खाते हो अभी क्या है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, तो झाड़ू लेके इसको मुझे उठा के देन फेंकना पड़ेगा। मतलब हमेशा ये दिक्कत मेरे साथ होती है, देखो ये हैंगर में ना मैं अपने सारे दुपट्टा को हैंग करके रखती हूँ, लेकिन जब भी अलमारी खोलती हूँ उस हैंगर में कुछ दिक्कत आ गई है तो फट से नीचे गिर जाती है। और इधर बस आपको अरु फ़ोन ही चलाता दिखेगा आजकल, 2 दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, स्कूल नहीं गया है, लेकिन रेस्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस उसको फ़ोन चलाना है ना अरु, कुछ बोलेगा नहीं। तो सोचा कि मैं आप लोगों के ये देखो मॉनसून में इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना यार, मतलब कंघी कर रही हूँ तो ऐसे लिटरली चीज़ें लग रही निकल रही है। एंड इन दिनों मेरी कुछ मतलब डाइट भी मैं अच्छे से नहीं ले रही ऑनेस्टली, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल जो है ज़्यादा हो रही है। अब देखो कौन आया है, बेल बजाया है किसी ने, तो कोई आया है, सो मैं आपको सोचा अरेंज करते करते कुछ दिखा भी देती हूँ। सो ये एक DIY ब्लाउज मैंने बनाया था मेरे चैनल पे है, फैशन चैनल पे, बहुत ही इजी वे में जिनको स्टिचिंग नहीं आती है वो भी कर लेंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको ये ब्लाउज अच्छा लग रहा है, इस तरह का स्ट्रैप है एंड पीछे से बिल्कुल बैकलेस है जो बांध सकते हैं उस तरीके का है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो मैं एड स्क्रीन में लगा दूँगी। और तो सावन महीने में पूजा नहीं कर रही थी, कल से मैं पूजा करूँगी। तो रीछू देखो क्या लेके आया, दिखाओ, गंगा जल है, बिजली गया, बिजली भी इतनी चली जा रही है ना यार, देखो अभी लेकिन ये टूटा हुआ है क्या, फटा हुआ है क्या, क्या चीज, ये वाला जार बड़ा पानी गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, तो ये गंगा जल मैंने मंगवाया है, तो ये गंगा जल लेके आया, जो रख दो जाकर पूजा रूम में रखो जाकर। ये मैंने साड़ी से बनाया था, अगर आप मेरे फैशन चैनल पे मुझे फॉलो करते हो तो उस पर आपने देखा होगा, इस तरह की कुछ डिटेलिंग की थी। ये देखो लेस वाली,
और ये एक बांधनी का साड़ी था, तो एक का मैंने मतलब आधे का मैंने पजामा बनाया था और आधे का मैंने दुपट्टा बनाया था। बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा बना है ये। तो आपके पास भी अगर कुछ साड़ी है ना बांधनी का, तो इस तरीके से डेफिनेटली आप बनवा सकते हो। और एक वाइट दुपट्टा आपके वार्डरोब का हिस्सा होना ही चाहिए। ये मैंने अमेजोन से ली थी, नेट के ऊपर है, इस तरह की कढ़ाई की हुई है। ये मतलब गोल्डन कलर है एंड वाइट कलर है एंड लंबा चौड़ा सा दुपट्टा है। तो जितनी भी इसके बारे में बात करें, जो जो वीडियो के बारे में, मैं आपको ऐड स्क्रीन में पेस्ट कर दूँगी, आप चेक कर सकते हो। तो अभी बिजली भी चली गई है गाइस, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग अगर आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू, बाय बाय।